चलिए जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस मस्ती पर। और है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, और मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं। तो इस बार आप लोग देख सकते हैं, आप लोग थंबनेल देख लिए हैं ऑफर के साथ, ठीक है ना। और आप लोग का जो है बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है और यही बार अंतिम मौका है। बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा हो गया है, बिहार एसएससी हो गया है, और बहुत सारा फायरमैन वगैरह वैकेंसी आएगा, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है। तो वही देखिए आप लोग के सामने बहुत जल्दी वैकेंसी आ गया, जिसको हम लोग कब्य से इंतजार कर रहे हैं, लगभग एक साल से इंतजार कर रहे हैं, और वही वैकेंसी आ गया। इसके बारे में बताने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग को बताएंगे कैसे तैयारी करना है, सबसे बेस्ट तैयारी। ये हमको विश्वास है कैसे सबसे बेस्ट तैयारी होगा, जो बिल्कुल तैयारी नहीं की उसके लिए कम टाइम है, चूंकि टाइम बहुत कम रहेगा और बहुत चीज़ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना है। तो उसके लिए एक विशेष ऑफर भी लेकर आए हैं, और ऑफर जो है अब नहीं बोलिएगा कि आप क्या ऑफर लेकर आ गए, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और क्या रहेगा पहले हम ऑफर भी बता देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। जो वो ले लिए हैं और मेहनत कर दिए जितना हम बोले हैं, और जो करवा दिए पक्का रिजल्ट होगा, ठीक है ना, एकदम गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम आपको ऑफर के बारे में बता देते हैं क्या करना नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम टाइम में पढ़ना पड़ेगा, लगन के पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, सेट लगाना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट होगा। तो पहले हम वो बताते हैं, उसके बाद सारा चीज़ बताएंगे बिहार दरोगा के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए पहले वो बता देते हैं, ठीक है। और जरूर ये देखिएगा एक बार, जरूर जो है मतलब इससे जुड़िएगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, जो जुड़ा है उसका तो फायदा होबे करेगा, ठीक है ना। तो बता रहे हैं ये आपका जीके जीएस मस्ती ऐप हुआ है, प्ले स्टोर पर जाइएगा और ये जीके जीएस मस्ती ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या ऑफर देने जा रहे हैं, इसमें आपको चार बैच मिलेगा, एक बिहार एसएससी का मिलेगा, एक साइंस फाउंडेशन बैच मिलेगा, और एक जीके जो इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच मिलेगा, और एक मिलेगा बिहार दरोगा टारगेट बैच मिलेगा, ठीक है ना, और एसएससी का टारगेट बैच भी है। अब देखिए इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से ये सुन लीजिए, चूंकि ये पहले आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। वो नोटिस वगैरह तो हर जगह मिल जाएगा, क्या नोटिस में है क्या लिखा हुआ वो तो बताएंगे ही, और हर जगह मिल जाएगा, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं कम टाइम में एकदम जो है ना आपको जब रिजल्ट तक पहुँचवा देंगे, ठीक है ना, ये मेरा विश्वास है कैसे पहुँचेगा, चूंकि कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, सारा चीज़ बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बता रहे हैं आप लोगों को, देखिए तो चलिए हम पहले पहुंचते हैं आपका, बताते हैं क्या करना नहीं करना, ठीक है। जैसे देखिए अभी आपका जो है बिहार, मेरा जीके जीएस मस्ती ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसके लिए जो नंबर बता देना, राकेश कॉन्टैक्ट नंबर देखिए, पहले आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर बता देना चाहते हैं, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर कितना है बोलो, 8521272462। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी परेशानी है तो उस पर कॉल कीजिएगा और कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बताने जा रहे हैं, देखिए आप लोग को अब क्या बताने जा रहे हैं, सुनिए यहाँ पर पहले ध्यान से। मेरा जो है बिहार दरोगा का, क्या बोल रहे हैं, बिहार दरोगा का टारगेट बेच चल रहा है, बिहार दरोगा का टारगेट बैच चल रहा है। दो मिनट इसको आराम से सुन लीजिए, आप लोग के लिए बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि जितना भी बैच आएगा और जितना हम करवा दिए उतना तो हो ही नहीं सकता, बहुत कम टाइम है। तो बिहार दरोगा का मेरा टारगेट बैच चल रहा है और इतना डिटेल से पढ़ाया गया, इतना डिटेल से पढ़ाया गया कुछ कहने का नहीं, जिसमें आपका फिजिक्स खत्म हो गया, केमिस्ट्री खत्म हो गया, बायोलॉजी खत्म हो गया है, ठीक है, फिर आप इकोनॉमिक्स खत्म है, पॉलिटी खत्म है, बचा हुआ हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आप लोग बोलिए खत्म हो गए तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। और बचा हुआ ज्योग्राफी में काफ़ी चीज़ बचा हुआ है, तो ज्योग्राफी भी जो है बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। आप बोलिएगा सब खत्म हो गया तो फायदा नहीं लगेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, चूंकि आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं जितना भी टारगेट बेच अभी आएगा और जितना मेरा ये वीडियो में पढ़ाया गया है उतना पढ़ाया नहीं जाएगा, चूंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा और इसमें हम आराम से पूरा डिटेल में पढ़ाएं और इसमें क्या सुविधा देने जा रहे हैं वो भी बता रहे हैं। इसका ऑफर जो है आप लोग का, इसका ऑफर हम बता रहे हैं, इसका 149 रुपया है, ठीक है ना, 149 रुपये में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्ट्रेटेजिक के, और साथ में हिंदी भी इसमें है। और साथ में बताने जा रहे हैं इसमें और क्या करवाएंगे, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, तो क्या हम शांत बैठने वाला नहीं है, जो पहले से बेच लिए हैं उसको भी फायदा होगा, हम बता रहे हैं इस दरोगा तक आपको साथ देंगे। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं यही बेच लेने के लिए, एक नया बेच लाएंगे तो उसमें भी पढ़ा सकते हैं हम, लेकिन जितना इसमें पढ़ाए हैं डिटेल में पढ़ाए हैं किसी का फाउंडेशन से कम ना होगा, नहीं तो आप जो है नोट्स फ्री में उपलब्ध है जीके जीएस मस्ती पर, जाके एक बार नोट्स देखिए, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको कम टाइम में हम जबरदस्त तैयारी करना है, और उसके लिए जो है ये बैच आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया गया और कोई भी नया टारगेट बैच ला देगा, कोई भी ला देगा, हम खुद ला देंगे तो चाहेंगे जितना इसमें पढ़ाया गया उतना पढ़ा दे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन आपको इसमें पढ़ाया गया है और वीडियो जो है चलते रहेगा और आपको जो है स्टडी जोग्राफी आपको कंप्लीट भी करना है तो आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं, कम टाइम में दोगुना फास्ट करके डेढ़ गुना फास्ट करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या कराएंगे, हिस्ट्री तो आप मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी बचा हुआ ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, ज्योग्राफी में भी लगभग आधा हो चुका है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखाएंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव। क्या लिखाएंगे, जब ये सब हो जाएगा तब आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ करवाएंगे, चाहे वो आपका बिहार अथी स्टेट पीसीएस में आया हुआ एग्जाम है या कुछ में भी आया एग्जाम है, हम उसको छाट छाट कर हर सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, यानी बिहार दरोगा तक आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, थ्योरी के साथ जो ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो 100% आपका रिजल्ट होगा, इसमें कोई ठोक रोक नहीं सकता है। और सेट तो जो होगा यूट्यूब पर फ्री होगा, बिल्कुल सेट करवाएंगे, उसे सोल्यूशन भी देंगे, ठीक है ना। तो ये जरूर हम बता रहे हैं 149 रुपया में अभी चल रहा है, और ये आपका जो है ऑफर कब तक रहेगा, कब तक दे दें, एक सप्ताह, पाँच, चलो तो पाँच सितंबर तक, कब तक, पाँच अक्टूबर तक ये रहेगा, फिर ज़्यादा नहीं होगा मेरा, 201 रुपया होगा, 201 रुपया होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम एक बार और बोलेंगे, एक बार जाके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बता दिए क्या क्या करवाएंगे, जो बिहार पुलिस जो खरीदे हैं तो उसको तो अच्छा ही है, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बताने जा रहे हैं 149 टका ले लीजिएगा, बाकी भाई बिहार एसएससी से जिसको जुड़ना है कि नाम नया नया पढ़ेंगे, ठीक है ना, अब पता नहीं एग्जाम कब ले लेगा, ठीक है, तो नया जो पढ़ना चाहते हो बिहार एसएससी से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं अभी के बारे में, जो आपका जो है आया हुआ है, क्या तो आपका आया हुआ है बिहार दरोगा का जो आया हुआ नोटिफिकेशन, उसके बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या खोजेगा, कौन फॉर्म भर सकता है, बाहर वाला भर सकता है कि नहीं, लड़की के लिए क्या मतलब योग्यता होना चाहिए, लड़का के लिए क्या होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, कब तक जो आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भर सकते हैं, सारा चीज़ बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर निकालें, देखिए, अरे आ जाओ, चलो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो पहले देखिए आप लोग क्या हो, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है ना, और यहाँ पर बिहार सरकार गृह विभाग से आया हुआ है पुलिस अवर निरीक्षक के लिए है, और इसी का तो हम लोग का इंतजार था, और गर्दा एकदम उड़ा दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर बोले कितना पद आया है, 1275 पद आया है, हाँ कम पद है, लेकिन कम पद है तो उससे कोई दिक्कत ना, आप लोग जो है एक बार मेहनत जम के कीजिए, रिजल्ट जरूर होगा, हम जो बता रहे हैं, क्योंकि कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसी के लिए हम जो अभी बताए थे ऑफर वाला जो बताए थे, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, और हम सारा चीज़ मेहनत करवाएंगे, आप लोग को बता दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसमें आगे पढ़ेंगे तो आगे मिलेगा क्या, यहाँ लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है दिनांक 5/10/2023, यानी भरने प्रक्रिया प्रारंभ कब होगी, तो 5 अक्टूबर 2023 को होगी, सारा चीज बताएंगे, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, आगे जो इंपोर्टेंट देखें तो इंपोर्टेंट आपका यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां देखिए क्या लिखा है, आवेदन की प्रक्रिया, तो भारत के नागरिक इसमें तो खुद बातें ना है, ठीक है ना। अभ्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, यहां ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अभ्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, इस पर गौर कीजिए, इस पर कौन फॉर्म भर सकता है, इस पर गौर कीजिए, ठीक है ना, धुंधला नहीं दिख रहा है, इस पर गौर कीजिए। यहाँ क्या लिखल है, 1/8/2023, यानी 8 मतलब क्या, अगस्त हुआ, 8 मतलब क्या हुआ, अगस्त, यानी 1 अगस्त 2023 तक, सुनिए ये एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन या राज्य सरकार द्वारा कर लिए हैं, ठीक है ना, तो वो जो है इसको भरने के लिए एलिजिबल है, ये ध्यान दीजिए, और आराम से आप भर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जो है मेहनत हम करवाएंगे, वो बता ही दिए आप लोग को, फिर बोलेंगे कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए इससे अच्छा बैच कोनो नहीं होगा, हम नया बैच ला भी देंगे, नया बैच तो लाएंगे नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा, उतना हम पढ़ा नहीं पाएंगे जितना इस बैच में है, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है दोनों सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन भी चलेगा, रिकॉर्डेड बैच जो वीडियो भी देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सेट भी मारना पड़ेगा, A to Z करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर देखते हैं उम्र सीमा, तो उम्र सीमा देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि उम्र सीमा आपका जो है कब से, ठीक है ना, यहाँ पर है कि उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, वही वाला है, ठीक है ना, यानी यहाँ तक आपका उम्र सीमा कितना पूरना चाहिए उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि यहीं तक ग्रेजुएशन आपका मांग रहा है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा अभ्यार्थियों की उम्र सीमा, तो अभ्यार्थियों की उम्र सीमा 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, अब देखिए अनारक्षित यानी जो जनरल है, जनरल के लिए कितना है, तो जनरल के कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष,
और अधिकतम कितना है 37 वर्ष कितना है, और महिलाएं हैं तो 20 से कितना हो गया 40 हो गया। पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है यानी ईबीसी, पुरुष हो या महिला हो कितना है 20 से कितना है अधिकतम 40 तक है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, पुरुषों और महिलाओं के लिए कितना है, और ट्रांसजेंडर के लिए भी कितना है, थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर के लिए भी कितना है, तो 20 से 42 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के वैसे सेवक, अब तो ये आप लोग को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उम्र सीमा आप लोग जान गए, ठीक है, और उम्र सीमा कब तक आपको पूरना चाहिए 1/8/2023 तक, ठीक है ना। फिर आगे देखें तो अगला इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, कितना नंबर, ये वाला 4.5 देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, अभ्यार्थियों को शारीरिक मापदंड ऊंचाई सीना वगैरह लिखा हुआ, तो ऊंचाई कितना होना चाहिए ये भी काफ़ी जरूरी है, तो 165 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग यानी जनरल का और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, तो ये भी काफ़ी जो है बड़ा भूमिका है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, ईबीसी के पुरुषों के लिए कितना 160 सेंटीमीटर, काफ़ी है, ठीक है ना, काफ़ी कम है बिहार पुलिस से भी, ठीक है ना, तो ये काफ़ी आराम से हो जाएगा। एससी और एसटी के पुरुषों के लिए कितना है, तो इसका भी 160 सेंटीमीटर है। फिर सभी वर्गों के महिला, कोई भी वर्ग के महिला हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए कितना 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप इसमें वजन भी पूछेगा, लड़की के लिए कोई वजन भी होता है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। फिर सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं गर्ल्स के जो है वो सीना मापदंड नहीं होता है, तो इसीलिए सिर्फ पुरुषों के लिए लिखा हुआ है। जनरल के लिए जो है उसका जो है कितना बोला, बिना फुलाए 81 और 5 फुलाना है, तो 5 फुलाइए कितना हो जाएगा, तो 5 फुलाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फुला के 86 कितना हो जाएगा, फुला के 86 हो जाएगा। बाकी बार एससी एसटी, ठीक है ना, पुरुषों के लिए 79 और 5 84 हो गया है, ठीक है ना, और फुलाने के बाद 5 बढ़ाना होता है वो तो आप लोग को पता है, तो इसमें टाइम पार नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए सीना की माप भी नहीं होगी हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए वजन सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, ये काफ़ी ध्यान है, ठीक है ना, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना ही चाहिए, ठीक है ना, होना ही चाहिए, कितना 48 ग्राम, तो जिसका नहीं है थोड़ा खा पी के बढ़ा लेना है, ठीक है ना। कितना लड़की इतना कम होता है कि बहुत कम होता है, लगता है कि हाँ होगा, लेकिन जब चढ़ता है अथी पर तो पूर्वे करता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ट्रांसजेंडर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट और है वो देखते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया, तो नियुक्ति प्रक्रिया में यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो नियुक्ति प्रक्रिया वही है कि दो चरण में होगा, एक प्री होगा, एक मेंस होगा, उसके बारे में लिखा है। प्रथम चरण में देखिए 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और अवधि कितना रहेगा, 2 घंटा रहेगा, कितना रहेगा 2 घंटा रहेगा। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स सारा है, तो करंट अफेयर्स तो ऐसे करवा देंगे आप लोग को, सामने ग्रुप डिस्कशन होगा, इस पर भी हम करंट अफेयर्स करवाएंगे, करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इसमें 30% इस पर नहीं आना है, लोग हम नहीं आना है, 30% पर जाने ना है कि 30% मिलेगा और पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम अंक प्राप्त करना है, 70 से ज्यादा लाने की कोशिश करना हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में बाकी बार और देखते हैं, ज्यादा पढ़ने जरूरत ना है, और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ पहले कितना गुना रिजल्ट देगा, तो 20 गुना, कितना देगा 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। बाकी बार यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द्वितीय चरण की परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा होगा, उसमें भी क्या होगा, उसमें 2 पत्र होंगे, कितना पत्र होंगे, 2 पत्र होंगे, प्रथम जो है 200 अंकों का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 नंबर का हो गया, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, लेकिन जिसमें 100 प्रश्न हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, 30% मैंने जाना है आपको, 70% प्लस लाना है, ठीक है ना। कौन सी हिंदी कहाँ लिखा है, और हिंदी यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ पर 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा, और यहाँ पर हो गया प्रथम पत्र में क्या बोल रहा, प्रथम पत्र अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटों का होगा, जिसमें 100, हाँ हिंदी में तो खाली क्वालिफाई होना है, तो हिंदी आप लोगों को पढ़ा दिए, हिंदी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, एकदम कोई दिक्कतें ना होगा, ठीक है, तो हिंदी में खाली क्वालिफाई होना होता है तो कोई दिक्कत ना, हिंदी खाली क्वालिफाई होगा तो अगला जो आपका पेपर जांच होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या आगे है, क्या यहाँ द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान ये लिखा हुआ है, जिसमें मानसिक योग्यता से जांच होगी, इसमें तो हम जानते हैं कि गणित भी रहता है, जो मेंस वाला, ये क्या हो गया, ये मेंस वाला हो गया, जिसमें आपका थोड़ा क्या रहेगा, तो मैथ और रीजनिंग का थोड़ा बढ़ जाता है, मात्रा क्या होता है बढ़ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत ना, बिहारी तो मैथ रीजनिंग ऐसे ठीक होता है, ठीक है ना, सेट मार के उतना कर लेगा, ठीक है ना, और वो भी लास्ट में हो जाएगा, तो मेंस में होगा, फिर पर ध्यान देना है, ठीक है। अब निगेटिव कितना, 0.2, यानी देखिए 0.2 निगेटिव है, कितना है, तो एक क्वेश्चन में कितना नंबर, 2 नंबर, एक क्वेश्चन में 2 नंबर, और 2 नंबर है, और निगेटिव कितना 0.2, तो देखिए कितना हो गया, 2/20 हो गया, यानी 1/10 निगेटिव है, यानी थोड़ा सा भी क्वेश्चन में लगे कि हाँ होगा, अरे मार के निकल जाना है, क्वेश्चन को छोड़ने नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा भी लग रहा है हाँ ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, तो हम लगा देंगे, क्योंकि 1/10 निगेटिव है, 200 नंबर पर करेंगे तो 1/10
निगेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि देख लो काट दिए तो 1/10 हो गया है, ठीक है ना, और यही 100 पर करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला क्या है, तो देखिए मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर युक्तियों का 6 गुना, यानी जो मेंस है उसमें कितना 6 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पहले 20 गुना उसके बाद कितना गुना 6 गुना बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिर तृतीय चरण शारीरिक योग्यता परीक्षा होगा, फिजिकल में जाना है, ठीक है ना। फिर इसमें और देखते हैं क्या है, फिर दौड़ वगैरह है, तो दौड़ वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड दिया जाएगा, ठीक है ना, और ये पुरुषों के लिए है, ठीक है। और इसमें मतलब बिहार पुलिस के लिए नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, बिहार पुलिस में मास उठाना पड़ता है, इसमें मास उठाना वगैरह नहीं है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना जो इजी होता है पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए काफ़ी इजी होता है, बिहार पुलिस में नहीं होता है थोड़ा इजी पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए जो दौड़ की तैयारी नहीं की है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर होगा, टाइम कितना रहेगा 6 मिनट, कितना रहेगा 6 मिनट रहेगा, ठीक है ना। ऊंची कूद भी इसमें होगा, तो ऊंची कूद देखिए न्यूनतम 4 फीट, इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है, क्या होना है क्वालिफाई होना है, 4 फीट से कम कूदने वाला ना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं क्या, अगला यहाँ देख लेते हैं महिलाओं के लिए देखेंगे तो 3 फीट, यहाँ पर ध्यान दीजिए महिला के लिए कहाँ लिखल है, पुरुष के अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया, सभी कोटि के महिलाओं के लिए कितना है 3, कितना है महिला के लिए 3 फीट, पुरुष के लिए 4 फीट हो गया है। अगला लंबी कूद, इसमें लंबी कूद भी होता है, लॉन्ग जंप भी होता है, लॉन्ग जंप कितना है न्यूनतम 12 फीट, कितना है 12 फीट, एकदम जोर के आएगा फंस जाइएगा, ठीक है ना, 12 फीट है, ठीक है। और महिलाओं के लिए कितना है 9 फीट, कितना है 9 फीट है। चलिए और देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट बातें सारा बता देना चाहते हैं हम। फिर यहाँ गोला फेंक होगा, क्या होगा गोला फेंक होगा सभी कोटि के पुरुषों के लिए, ठीक है ना। गोला फेंक कितना है 16 पाउंड का गोला न्यूनतम रहेगा, ठीक है ना, और 16 फीट फेंकना है, जितना पाउंड उतना फेंक, बिहार पुलिस में 20 पाउंड रहता है ना और 20 फीट फेंकना होता है, इसमें 16 होता है ना कि 20 होता है, ठीक है ना, तो इसमें 16 पाउंड है, 16 फीट फेंकना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड रहेगा, कितना रहेगा और 10 फीट फेंकना है, दो कम है, ठीक है ना, 10 फीट फेंकना है, 10 फीट से कम फेंकने वाला ये तो लिखा है सफल हो जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी बार ये सब तो मतलब उतना इंपॉर्टेंट है, जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट था वो बता दिए, मेधा सूची का बता दिए, तो लिखित परीक्षा होता है जो मेंस एग्जाम होता है, इसमें फिजिकल पर जो है मेरिट नहीं बनता है, बल्कि मेंस पर आप कितना मार्क्स उठाएं उस पर मेरिट बनता है, ठीक है ना, तो उस पर मेरिट बनता है। बाकी बार यहाँ पर देखें शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम उस दसवीं का लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब आपने खुद पढ़ लीजिएगा, जो जो मेन मेरा बताना था वो आप लोग को मकसद था बता दिए। अब यहाँ पर देखिए मेन में क्या आता है, यहाँ पर आता है किस वर्ग के लिए कितना सीट जो है, देखें यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा तो SC के लिए 275, फिर ST के लिए 16 है, EBC के लिए 238 है, फिर यहाँ पिछला वर्ग OBC के लिए 107 है, पिछला वर्ग के महिलाओं के लिए भी आरक्षित है 82 है, अनारक्षित के लिए 441 यानी जनरल हो गया ना। फिर यहाँ आर्थिक रूप के से कमजोर यानी ये क्या हुआ EWS यानी EWS के लिए 111 है, फिर यहाँ ट्रांसजेंडर के लिए 5 है, और कुल मिला कितना है 1275 है। बाकी बार इसे पढ़ लीजिए, परसेंट वगैरह लिखा हुआ जो मेन था वो बता दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को क्या है, उसके बाद जो है आरक्षण वगैरह ये सब लिखा हुआ, किसको आरक्षण मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, सारा लिखा हुआ है। और आराम से अदर स्टेट वाला भरेगा तो अदर स्टेट वाला भी भर सकता है, लेकिन वो जनरल में फाइट करना पड़ेगा, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। नियुक्ति प्रक्रिया दिया हुआ है, तो जो मेन था वो बता दिए, बाकी बार अब उतना मेन कुछ नहीं है, भरने प्रक्रिया हम लग जाइए, ठन जाइए, हम बार बार बोल रहे हैं सीट बहुत कम है, ठीक है ना, हर साल की अपेक्षा सीट बहुत कम है, और फाइटिंग करना पड़ेगा, जबरदस्त करना पड़ेगा, ठीक है ना, फाइटिंग जबरदस्त करना पड़ेगा। हमको लगता है कि प्री में ही 75% से अधिक मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि सीट कम है, और उसके लिए कम टाइम में हम बम पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्त पढ़ना पड़ेगा, कम टाइम में बहुत पढ़ना पड़ेगा, और कोई भी हम टारगेट बेस तो लाने नहीं जा रहे, नया वाला पहले ही बता दिए हैं, चूंकि नया टारगेट बेच इसलिए लाने नहीं जा रहा है कि कम टाइम में उतना हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको पुराना टारगेट बेच जो मेरा चल रहा है उसमें कम टाइम में इतना पढ़ाया गया कि फाउंडेशन में भी उतना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और उसमें अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल ही रहा है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, और फिर जो है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का हम करवा देंगे, ठीक है ना, जिससे कि ना पूरा पकड़ और रिजल्ट आपका हो, ठीक है। बाकी बार आपका जो है पता ही है सेट वगैरह चलते रहेगा, ठीक है ना, तो वही हम सारा बता दिए हैं। और फिर बोल देते हैं जीके जीएस मस्ती ऐप पर ये सारा चीज़ होगा, जीके जीएस मस्ती ऐप पर ये सारा चीज़ होगा, तो एक बार जरूर जुड़िएगा, और मतलब कम टाइम में अगर अथी करना है तो, ठीक है ना। और चलिए तो सारा चीज़ बता दिए, बताइए वीडियो कैसा लगा है, और कोई भी दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट नंबर हम शुरू में दे दिए, कॉल कीजिएगा जीके जीएस मस्ती ऐप पर जाकर, और सारा चीज़ करवाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। चलिए जय हिंद, और कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, और जब दिल में हो जीतने की उम्मीद तो कोई परिस्थितियाँ तुम्हें हरा सकता नहीं। जय हिंद। काफ़ी लगा, बराबर नहीं गया।